Hello guys, you're most welcome in Om Nursing Knowledge channel and myself Shweta Dubey. Now today I'm going to discuss about a new topic of pediatric. So today my topic are Sprengel disease. It is also known as megacolon, a congenital and ganglionic megacolon disease. So let's begin. इंट्रोडक्शन ऑफ हस्प्रिंग डिजीज। हस्प्रिंग डिजीज की कंडीशन में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज को फेस करने पड़ते हैं, लाइक प्रॉब्लम इन पासिंग इन स्टूल। यह कंडीशन 8 बर्थ्स में होता है, मीन्स इट इज़ ए कंजनाइटल। इसमें कॉलन के मसल्स में नर्व सेल्स मिस हो जाते हैं, मीन्स अब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल इन टू द कॉलन। जब कॉलन के पार्ट में गैंग्लियोनिक सेल अब्सेंस होता है, दैट मींस उस एरिया में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से उस एरिया में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम एंड ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगा, जिसकी वजह से उस ऑब्स्ट्रक्शन वाले पार्ट में गैसेस एंड फीकल मटेरियल अकोमोडेट होगा और इसका रिजल्ट होगा इनलार्जमेंट ऑफ कॉलन। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मेगा कॉलन। कंडीशन ऑफ हस्प्रिंग डिजीज। हस्प्रिंग डिजीज इज अ कंजनाइटल एबनॉर्मलिटी ऑफ बॉवल, जिसमें बॉवल की वॉल में गैंग्लियोमेंस नर्व सेल अब्सेंस हो जाता है। नर्व के इस अब्सेंस होने की वजह से उस एरिया में मसल्स की मूवमेंट्स नहीं हो पाती है। यह नर्व सेल इनस से ही स्टार्ट होकर बॉवल तक की डिस्टेंस में फैला रहता है। जिस एरिया में नर्व सेल मिस होता है, उस एरिया में वेस्ट प्रोडक्ट एंड फीकल मटेरियल एंड गैसेज अकोमुलेट हो जाती हैं, जिसका रिजल्ट निकलता है मेगा कॉलन, मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ कॉलन। टाइप ऑफ हस्प्रिंग डिजीज। इट इज़ अ टू टाइप। फर्स्ट वन इज ए कंजनाइटल एंड सेकेंड वन इज ए एक्वायर्ड। दिस टाइप इज अ कॉमनेस्ट। जो कंजनाइटल होता है वो कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, द इटियोलॉजी ऑफ द अब्सेंस स्टिल अननोन। जिसकी मेन इटियोलॉजी है वो अननोन है, मीन्स जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। एंड 13% ऑफ केसेज हैज ए फैमिली हिस्ट्री, मीन्स जेनेटिक रीजन की वजह से भी हो रहा है। मीन्स फैमिली मेम्बर में अगर कोई पर्सन हस्प्रिंग डिजीज से अगर अफेक्टेड है, तो आने वाली जनरेशन भी अफेक्टेड होगी। एंड सेकेंड वन इज एक्वायर्ड। द जीन एंड डीजनरेशन ऑफ द गैंग्लियोनिक में अकर ड्यू टू द, एंड इसे टू टाइप्स के होते हैं, वैस्कुलर कॉजेज एंड नॉन वैस्कुलर कॉजेज। फर्स्ट वन इन अवैस्कुलर कॉजेज, आफ्टर पुल थ्रू द प्रोसीजर ड्यू टू द इस्कीमिया। मीन्स पुल थ्रू प्रोसीजर के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, मीन्स इस्कीमिया की कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में भी एस्प्रिंग डिजीज होने के चांसेस होते हैं। मीन्स पुल थ्रू प्रोसीजर मीन्स द रिमूवल ऑफ द एबनॉर्मल सेगमेंट ऑफ बॉवल, मीन्स जिस एरिया में नर्व सेल नहीं है उसे हम रिमूव कर देते हैं एंड द नॉर्मल बॉवल को एनस से कनेक्ट कर देते हैं, मीन्स उसको एनास्थमोसिस कर देते हैं। मीन्स अगर इस प्रोसीजर में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, तो फिर ऑस्कुलर डिज कॉजेज हो सकता है, मीन्स एक्वायर्ड रीजन की वजह से भी हस्प्रिंग डिजीज हो सकता है। नॉन वास्कुलर में लाइक ट्राइपैनोसोमा, इट इज ऑल्सो नोन एज चागा डिजीज। दिस डिजीज इज कॉज बाय इन्फेक्शन विद पैरासाइट लाइक ट्राइपैनोसोमा बुशाई एंड विटामिन B1 डिफिशियंसी एंड क्रोनिक इन्फेक्शन लाइक TB की वजह से भी हस्प्रिंग डिजीज होने के चांसेस होते हैं। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ हस्प्रिंग डिजीज एंड कॉजेज ऑफ हस्प्रिंग डिजीज। सिम्टम ऑफ हस्प्रिंग डिजीज। अगर सिम्टम की बात करें, सो फर्स्टली इन अ स्वेलिंग इन द अराउंड एरिया ऑन द बेलाई एंड सेकेंड वॉमिटिंग विथ ग्रीनिश ब्राउन वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन एंड फ्लैटुलेंस, मीन एक्सेसिव अमाउंट में गैसेस का अकोमोलेशन हो जाना एंड डायरिया। डायरिया इज ऑल्सो कॉजेज एंड द फेल्योर ऑफ गेन वेट, मीन्स अगर जो पेशेंट इनटेक कर रहा है अगर उसका आउटपुट नहीं होगा, मीन्स गेन ऑफ वेट एंड सीवियर फटिगनेस। इसमें पेशेंट जो बहुत ही सीवियर टायर्डनेस फील करेगा। सो इट इज़ अ सिम्टम ऑफ हस्प्रिंग डिजीज। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो लार्ज स्टेटस का कॉलन वाला पार्ट है, वो कैसे इसमें इनलार्जमेंट ऑफ कॉलन हो गया, मीन्स मेगा कॉलन। डायग्नोसिस इवैल्यूएशन ऑफ हस्प्रिंग डिजीज। अगर हस्प्रिंग डिजीज के डायग्नोसिस इवैल्यूएशन की बात करें, तो हस्प्रिंग डिजीज इज सस्पेक्टेबल इन बेबी हु हैज़ नो फास्ट म्यूकोनियम विद इन 48 आवर ऑफ बर्थ। जो एक नॉर्मल बेबी जो होता है आफ्टर 8 बर्थ के
48 आवर्स में अपने स्टूल को पास कर देता है। जिस बेबी में स्प्रिंग डिजीज का कंडीशन होता है वह बेबी 24 आवर में अपने स्टूल को अगर पास नहीं करता है तो हम सस्पेक्टेबल कर सकते हैं कि उस पेशेंट को हस्प्रिंग डिजीज होने का कंडीशन होता है। म्यूकोनियम मीन्स अ फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी। और सेकेंड क्या करेंगे हम, द रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे एंड थर्ड पाल्पिटेशन के थ्रू एंड द फोर्थ एनोरेक्टल मोनोमेट्री। एनोरेक्टल मोनोमेट्री एक प्रोसीजर है जिसमें एनस एंड रेक्टल को कॉन्ट्रैक्ट करके उसका मेजरमेंट करते हैं। इसमें एक बैलून को यूज करके रेक्टल को डिस्टेंड करते हैं एंड द प्रेशर सेंसर से इंटरनल एनल स्पिंचर को एनोरेक्टल स्पिंचर रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं इस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। एंड लास्ट है बेरियम इनिमा एंड द रेक्टल बायोस्पी। तो इट इज़ अ डायग्नोसिस इवैल्यूएशन ऑफ हेस्परिंग डिजीज। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हेस्परिंग डिजीज। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, पेशेंट को इंट्राविनसली हाइड्रेट करेंगे, मीन्स पेशेंट अगर डिहाइड्रेटेड है तो उसको हाइड्रेट करेंगे। एंड नजो गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, मीन्स जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको हम रिमूव करेंगे। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्राविनस एंटीबायोटिक, और पेशेंट को इंट्राविनसली एंटीबायोटिक को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। एंड सेकेंड है क्लोनिक लवाज। कॉलोनिक लवाज में हम क्या करते हैं कि रेक्टल ट्यूब की हेल्प से कॉलन एंड रेक्टल की जो एरिया होता है उसे हम रिमूव या उसे इरिगेशन करते हैं, मीन्स उसे क्लीन करते हैं। एंड द लास्ट है बैलेंस और सॉल्यूशन। इट इज़ अ मे बी हेल्प टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस होने के लिए ये प्रिवेंट करता है, मीन्स इसलिए हम बैलेंस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ हेस्परिंग डिजीज। अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट पे की हम बात करें तो इसमें टू स्टेप होता है। फर्स्टली हम क्या करते हैं कि पुल थ्रू प्रोसीजर एंड द ओस्टोमी सर्जरी। पुल थ्रू प्रोसीजर को मैंने ऑलरेडी इन अ डायग्नोसिस इवेल्यूएशन में एक्सप्लेन कर दिया है। एंड ओस्टोमी के बारे में हम जानेंगे। ओस्टोमी सर्जरी इन चिल्ड्रेन हु आर अ वेरी इल, अ सर्जरी माइट बी डन इन अ टू स्टेप। इस सर्जरी को मेनली टू स्टेप में करते हैं। इसमें डॉक्टर एब्डोमेन में एक ओपनिंग बनाते हैं, मीन्स एक स्टोमा बनाते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो इसमें क्या करते हैं कि कॉलन के एबनॉर्मल पोर्शन को रिमूव कर देते हैं और डॉक्टर के द्वारा बनाए गए एब्डोमिनल ओपनिंग में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इसमें एक कलेक्ट कर देते हैं जो कि इंटेस्टाइनल की इंड पोर्शन। इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल का जो इंड पोर्शन होता है, इस स्टोमा मीन्स इस ओपनिंग में खुलता है। एंड इसमें कुछ टाइम के लिए इस प्रोसीजर में, मीन्स अगर फर्स्ट स्टेप अगर कंप्लीट हो गया है तो इससे कुछ टाइम के लिए हम इस कॉलन को हील होने के लिए छोड़ देंगे। एंड सेकेंड स्टेप में जब कॉलन हील हो जाए फिर सेकेंड प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड प्रोसीजर में एब्डोमिन में बनाए गए ओपनिंग मीन्स स्टोमा को क्या करते हैं कि मीन्स स्टोमा को क्लोज कर देते हैं और इंटेस्टाइनल के हेल्दी पोर्शन को एनस रेक्टल से ज्वाइन कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में, मीन्स ओस्टमी के बारे में जाना। सो आज हमने बात किया हेस्परिंग डिजीज के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉज एंड सिम्टम एंड द सर्जिकल एंड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द हेस्परिंग डिजीज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इन योर फ्रेंडशिप सर्किल फॉर अपग्रेडिंग योर नॉलेज। थैंक यू।